लोगों को चैलेंज किया और चैलेंज करते ही उन्होंने भारी फायरिंग शुरू कर दी, जिनमें उन्होंने AK-47 और हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। ये फायरिंग इस फायरिंग का हमारे पार्टीज ने बखूबी का जवाब दिया, जिसके इसी एक्सचेंज ऑफ फायर में हमने अपने बहादुर सिपाही को भी खोया। ऑपरेशन कंक्लूड करने के बाद सर्च के दौरान हमें तकरीबन 6 kg की एक आईडी भी मिली, जिसे कोलैटरल डैमेज को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन तौर पे इन सिटू वहीं बर्बाद कर दिया गया। ये ऑपरेशन हम सारी एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन को दर्शाता है और 4 टेररिस्ट का इस तरह से मारा जाना वन सेक्टर के एरिया में और साउथ कश्मीर में टोटल 6 टेररिस्ट का मारा जाना हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जैसा कि आपको मालूम है कि 6 जुलाई को जिला कुलगाम में 2 जगह पे जो है वो टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई हुई। पहली जहां पे जो है वो एनकाउंटर स्टार्ट हुआ वो मॉडर गांव का इलाका है, जो कि थाना कुलगाम में वाका है। इस एनकाउंटर में 2 टेररिस्ट जो है जो हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक रखते थे उनको न्यूट्रलाइज किया गया, और दूसरा जो एनकाउंटर है जो चीनी गांव में है जो पुलिस स्टेशन यारीपुरा की हदूद में आता है वहां पे स्टार्ट हुआ, जिसमें 4 दहशतगर्द जो है जो हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक रखते थे उनको जो है वो न्यूट्रलाइज किया गया। जहां तक मोडर गांव के एनकाउंटर का सवाल है, वहां पे जो मिलिटेंट जो है जो टेररिस्ट मारे गए उनका नाम जो है वो आदिल हुसैन वानी, जो कि ए कैटेगरी का जो है वो टेररिस्ट था। ये रहने वाला जो था कुटपोरा शुपियन का था और ये 2021 से जो है इसने टेररिस्ट रैंक जो है वो ज्वाइन किए थे। दूसरा इसका जो साथी था जो इस एनकाउंटर में मारा गया उसका नाम जो है जो फैसल बशीर है, वो जो है वो वही शुपियन जो है कनीपुरा एक इलाका है वहां का रहने वाला था, जो रिसेंटली जो पहले एक जो है OGW का काम करता था, उसके बाद इसी साल जो है कुछ महीने पहले जो है वो उसने टेररिस्ट रैंक जो है वो ज्वाइन की, और इन दोनों को जो है वो एक ज्वाइंट ऑपरेशन में 6 तारीख को जो स्टार्ट हुआ जो कंक्लूड जो है वो 7 तारीख को हुआ, ये दोनों टेररिस्ट मारे गए। जहां तक इनका जो है इन्वॉल्वमेंट है, जो आदिल जो मैंने पहले आपको कहा कि एक कैटेगरी का जो है वो टेररिस्ट था, ये कुछ काफी जो है वो केस FIR में पुलिस स्टेशन में इन्वॉल्व था, जिसमें पुलिस स्टेशन शुपिया और पुलिस स्टेशन इमाम साहब शामिल है। जहां तक दूसरे एनकाउंटर का सवाल है, जो कि मैंने आपको बताया कि चीनी गांव फिसल का इलाका है यारीपोरा की हदूद में है पुलिस स्टेशन में, वहां पे भी ये एनकाउंटर जो है ऑन स्पेसिफिक जो है वो इंफॉर्मेशन के बाद जो है वो स्टार्ट हुआ और यहां पे 4 जो है वो टेररिस्ट जो है मारे गए। इनमें जो नाम जो है जिसमें यावर बशीर डार जो है जो ए कैटेगरी का जो है वो टेररिस्ट था, ये रहने वाला उसी इलाके का था। दूसरा जो है इसमें जो है वो जो मारे गए दूसरे तौहीद अहमद राथर और शकील अहमद वानी और जो है वो जाहिद अहमद डार जो है, ये ऑपरेशन जो है वो कल कंक्लूड हुआ। तो ये जो है वो आपको जो है इस एनकाउंटर के इन दोनों में जो है वो FIR रजिस्टर हुआ है। पहले एनकाउंटर में जो है वो FIR 100/2024 पुलिस स्टेशन जो है वो कुलगाम में जो है रजिस्टर हुआ, दूसरे में जो है वो FIR 53/2024 जो है वो पुलिस स्टेशन यारीपुरा में है। इस एनकाउंटर में काफी मिकदार में जो है वो असला और गोला बारूद जो है वो रिकवर हुआ, जिसकी डिटेल जो है अभी आपको बताई जाएगी। इसके अलावा जो है मैं आपको बताऊं कि इन दोनों जगहों पे जो है वो टेररिस्ट ने जो है वो हाइड आउट बनाई हुई थी। पहला जो घर था वो जो है वो यावर अली डार का घर था, तो वहां पे एक हाइड थी घर में, जहां पे जिस हाइड का जो है वो टेररिस्ट कई महीनों से उसका इस्तेमाल करते थे। इसी तरह से चीनी गांव भी एक जो है वो हाइड के तौर पर इस्तेमाल की गई थी, जो
ये जो है चीनी गांव का जो इलाका है उसमें एक मुश्ताक अहमद भट्ट है, अकबर अली का बेटा, उसने जो है वो एक मेसन का काम करता है, जिसने अपने घर में एक कंक्रीट और बड़ी सोफिस्टिकेटेड जो है वो हाइड बनाई हुई थी, जिसमें जो है इनको जो है वो पना और कई महीनों से वो इसकी जो है वो इस हाइड का इस्तेमाल करते थे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमांडर वन सेक्टर से वो थोड़ा। सो जैसा डीआईजी साहब ने कवर किया है दोनों ऑपरेशंस के बारे में, मैं आपको कमांडर वन सेक्टर के तौर पे जो मेरे सेक्टर ने ऑपरेशन किया है चीनी गांव के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको चीनी गांव ऑपरेशन के बारे में बताऊं, आप सबको इस बात का पता है कि वहां हमारा एक बहादुर सिपाही सिपाही प्रभाकर प्रवीण, जिन्होंने टेररिस्ट के साथ मुठभेड़ में अदम्य साहस का परिचय दिया और उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, तो मैं आप सब की तरफ से और देश की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जहां तक ऑपरेशन की बात है, डीआईजी साहब ने भी कवर किया, हमें इस इलाके में मूवमेंट की खबर काफ़ी दिनों से आ रही थी और हमने अपने सारे एजेंसीज के साथ और आर्मी ने अपने सर्वेलेंस डिवाइसेज और सोर्सेज की मदद से पूरे एरिया पर निगरानी रखी थी। 6 तारीख को हमें टेररिस्ट के मूवमेंट की एक सटीक खबर चीनीगाम इलाके में मिली और खबर मिलते ही 6 तारीख की 1500 बजे शाम तक कॉर्डन लग चुका था। 1600 बजे हमारे एक जवान ने 4 लोगों की फेरन में मूवमेंट देखी। इतनी गर्मी के समय में फेरन में मूवमेंट सस्पिशियस था और ये लगते ही हमने उन लोगों को चैलेंज किया और चैलेंज करते ही उन्होंने भारी फायरिंग शुरू कर दी, जिनमें उन्होंने AK-47 और हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। ये फायरिंग इस फायरिंग का हमारे पार्टीज ने बखूबी उसका जवाब दिया, जिसके इसी एक्सचेंज ऑफ फायर में हमने अपने बहादुर सिपाही को भी खोया। 24 घंटे चले इस ऑपरेशन में 4 टेररिस्ट मारे गए। इन टेररिस्ट का नाम आपको डीआईजी साहब पहले ही बता चुके हैं, इनमें यावर डार, जाहिद डार, शकील वानी और ताहिद राठर शामिल है। ये ऑपरेशन कंक्लूड करने के बाद सर्च के दौरान हमें तकरीबन 6 केजी की एक आईडी भी मिली, जिसे कोलैटरल डैमेज को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन तौर पे इन सिटू वहीं बर्बाद कर दिया गया। ये ऑपरेशन हम सारी एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन को दर्शाता है और 4 टेररिस्ट का इस तरह से मारा जाना वन सेक्टर के एरिया में और साउथ कश्मीर में टोटल 6 टेररिस्ट का मारा जाना हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। मैं सारी एजेंसीज का और कश्मीर के अवाम का उनकी सहयोग के लिए हमेशा शुक्रगुजार हूं और आशा करता हूं कि इसी सहयोग से हम और सक्सेसफुल ऑपरेशन करेंगे और कश्मीर में शांति बहाली में आर्मी अपना इसी तरह से रोल निभाती रहेगी। थैंक यू।